तो ये है कोलिन का खाली डिब्बा और इसमें मैं डाल रहा हूँ सैनिटाइजर। और ये सैनिटाइजर आ चुका है सैनिटाइजर। अब हम करने जा रहे हैं तो आज हमने न्यूट्राबेट साइट से एक प्रोटीन पाउडर ऑर्डर किया है जो जिसका नाम है सिंथा 6 BSN कंपनी का। तो अब हम इसे करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। तो लेट्स सी। ये इसमें इसकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। रहा प्रोडक्ट तो बहुत सारे नए प्रोटीन पाउडर रिलीज हुए हैं मार्केट में, तो उस चीज के प्रमोशन के लिए ये पैम्फलेट इस पे डाल दिया गया। तो ये प्रोडक्ट अगर कम्प्लीटली सील्ड हो तभी आपको ये प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में 80% से ज्यादा प्रोडक्ट फेक होते हैं। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रोडक्ट फेक है या जेन्युइन, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो ये है BSN सिंथा 6 प्रोटीन पाउडर चॉकलेट फ्लेवर, और चॉकलेट की स्मेल आ रही है। इसमें स्कूप पहले से ही मिलता है और जैसा आप देख सकते हैं ये रहा स्कूप। एक स्कूप में एक स्कूप 49 ग्राम का होता है और एक स्कूप में 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन पाया जाता है, और ये हमारी एक बार की कंजम्पशन होनी चाहिए। दिस शुड बी वन टाइम कंजम्पशन ऑफ एनी एक्टिव मसल बिल्डर। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये बाकी सारे प्रोटीन शेक से सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। और बस अब इस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी कैसे चेक की जाए और उसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशंस होती हैं, कितने फैट होते हैं, कितने एनर्जी होती है और कितने कार्ब्स होते हैं, और कौन कौन से सोर्स से ये इंग्रेडिएंट बनता है, कुछ सोया, कुछ एग से, कुछ व्हीट से, अलग अलग सोर्स से बनता है, और इसमें कितने स्कूप्स होते हैं, एक स्कूप की कितनी वेट होती है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और इसमें टोटल 48 सर्विंग्स है, मतलब 48 दिनों तक ये चल सकता है। 22 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर सर्विंग है इसमें। तो अब आ जाते हैं इस पॉइंट पर कि प्रोटीन पाउडर क्यों जरूरी है, हमें क्यों लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो बॉडी बिल्डिंग करता हो या जो मसल्स गेन कर रहा हो, एक्सरसाइज कर रहा हो, वही प्रोटीन ले। प्रोटीन किसी ऐसे बंदे को भी लेना चाहिए जो बहुत ही सेडेंट्री लाइफ जी रहा हो। होता क्या है ना अक्सर कि इस भयावह दुनिया में, कि इस दुनिया में जिस प्रेजेंट सिचुएशन में हम अभी रह रहे हैं, इसमें खाना तो क्या, पानी तो क्या, हवा तक भी शुद्ध नहीं है, तो हमें प्रॉपर विटामिन मिनरल्स क्या प्रोटीन तक भी नहीं मिल पाता। कैल्शियम भी हमारी बहुत जल्दी ही कैल्शियम डेंसिटी भी कम होने लग जाती है, तो हम ऐसे देखते हैं कि 30 के एज के बाद बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में पेन आने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ न्यूट्रिशन भी है, क्योंकि जितना हमारा वेट होता है ना उसी के हिसाब से हमें प्रोटीन लेना होता है। लेकिन प्रोटीन तो मजाक नहीं है, जितने किलो के आप हैं बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन हर रोज। इसे या तो वाटर के साथ भी ले सकते हैं या फिर मिल्क के साथ भी, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना होगा कि डिहाइड्रेट ना हो, अदरवाइज वो डायरेक्टली किडनी को अफेक्ट करेगा। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर की, कि कितने टाइप्स के प्रोटीन पाउडर हो सकते हैं और
कौन कौन से उसके लिए सही होते हैं। सो व्हाट इज प्रोटीन पाउडर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो प्रोटीन पाउडर इज वेरी पॉपुलर अमंग द हेल्थ कॉन्शियस पीपल एंड देर आर न्यूमरस टाइप ऑफ प्रोटीन पाउडर मेड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ सोर्सेज। एज देर आर सो मेनी ऑप्शन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन विच इज द वेरी ऑप्टिमम प्रोटीन एंड विच विल लीड टू द ऑप्टिमम रिजल्ट ऑफ योर्स। तो समझते हैं सबसे पहले प्रोटीन पाउडर है क्या। प्रोटीन पाउडर कुछ नहीं है, इट्स अ कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट फूड सच एज डेयरी, एग्स, राइस, पीस, ये सारी चीज़ों से। और कुछ कॉमन प्रोटीन्स, जैसे कुछ कॉमन फॉर्म्स बताता हूँ प्रोटीन के, जैसे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, प्रोटीन आइसोलेट, प्रोटीन हाइड्रोलाइज। तो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट क्या होता है? एंजाइम्स या फिर हम हीट से एसिड यूज करके हम उसमें से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट में से, हो सकता है मिल्क से, हो सकता है सीड से, हो सकता है व्हीट से, सोया से, अलग अलग जगह से हम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें से 60-80% एक्चुअल प्रोटीन होता है, बाकी 20-40% जो होता है फैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं। वैसे ही प्रोटीन आइसोलेट भी होता है जिसमें हम थोड़ा और प्रोसेस्ड हो जाता है और कंसेंट्रेटेड प्रोटीन हो जाता है, ऑलमोस्ट 90-95% प्रोटीन होता है, बाकी कुछ परसेंट फैट, कार्ब्स और लैक्टोज वगैरह होते हैं। तो और जो प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड है, जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है उसमें एसिड और एंजाइम्स लगाए जाते हैं और बॉन्ड को तोड़ा जाता है, जो अमीनो एसिड के बीच का बॉन्ड होता है ना वो तोड़ा जाता है, ताकि मसल्स जो हैं उस हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन को बहुत जल्दी ही ऑब्जर्व कर सकें। तो इसमें बहुत जल्दी ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अब आते हैं प्रोटीन के टाइप्स, जैसे कि होता है वे प्रोटीन, मिल्क प्रोडक्ट से निकलता है। मिल्क को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो दूध फाड़ देते हैं, फाड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकलता है, जो पानी बचता है, उस पानी को हम पाउडर्ड फॉर्म में बना देते हैं, तो वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, तो उसे कहते हैं वे प्रोटीन, ठीक है। और दूसरा टाइप हो सकता है कि कैसीन का हो जाए, कैसीन प्रोटीन जो फटा हुआ दूध नहीं है लेकिन वैसा जो एक्चुअल दूध से बना है, कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क से बना है, वो होता है कैसीन। अब वो जो है हमारे बॉडी के ब्लड स्ट्रीम को रोक देता है, रोकता नहीं है, ऑलमोस्ट कम कर देता है, बिकॉज डाइजेशन उसका बहुत स्लो होता है उस टाइम पे। अब जब डाइजेशन बहुत स्लो है तो ये जल्दी ऑब्जर्व नहीं हो पाता, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो फिर जिसका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है वो कैसीन प्रोटीन ले। और होता है एग प्रोटीन, जिसमें एग के सारे कंटेंट होते हैं, जितने भी एग से प्रोटीन पाए जाते हैं वो सब उस एग प्रोटीन में होते हैं। और हो सकता है पी प्रोटीन हो, जिसमें पीज में जो भी प्रोटीन होता है वो पाए जाते हैं। हेम्प प्रोटीन हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के ब्राउन राइस प्रोटीन हो सकते हैं। अब आता है मिक्स्ड प्लांट प्रोटीन, उसमें अलग अलग मिक्स्ड प्लांट प्रोटीन भी पाए जा सकते हैं। अब हमें पता करना है कि सबसे बेस्ट प्रोटीन हमारे लिए कौन सा है इन सब में से। तो मैं बताऊंगा मसल गेन के लिए जो मेरे लिए सबसे बेस्ट है वो यही है वे प्रोटीन, जो सबसे चीपर है और सबसे और आइसोलेटेड फॉर्म में लीन प्रोटीन सोर्स हमें यहीं से मिलता है, ठीक है। और मैंने वे में भी मैंने वे ब्लेंड मंगाया, क्यों, तो उसमें सारे क्वांटिटीज होते हैं, हर टाइप की क्वांटिटी में मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं गूगल पे और ये आ गए हम न्यूट्राबेस साइट पे। तो वहाँ आ चुके हैं न्यूट्राबे की साइट पे और ये ऑफिशियल साइट है। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ कि मैंने कैसे से ऑर्डर किया, मैंने कैसे से रजिस्टर किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रजिस्टर। तो अब हमने ये रजिस्टर कर चुका है और अब मैं एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट एग्जैक्टली मैंने ऑर्डर किया है और इस प्रोडक्ट की स्पेशलिटी और इसकी ओरिजिनलिटी और इस प्रोडक्ट की कॉस्ट विद इट्स ऑथेंटिसिटी। तो ये मैंने ऑर्डर किया था 28 मई को और इसका कॉस्ट है कुछ 5,306 और यह BSN कंपनी का सिंथा 6 प्रोटीन एक्स चॉकलेट मिल्क शेक वाला। ऑलराइट, तो ये चीज़ है, ये वाला वो प्रोडक्ट है। और चलो इसकी ऑथेंटिसिटी की बात करें तो पहली ऑथेंटिसिटी की नॉन वेज है, नॉन वेज है तो कई कई सारे पैकेज में ये वेज दिखाता है तो वो फेक होता है, ये उसका सिंबल होता है, बिकॉज एग इज द प्रीमियम सोर्स ऑफ दिस प्रोटीन। एग से जो प्रोटीन निकलता है वो इसमें इसका मेन सोर्स है, राइट। सोया तो है ही है लेकिन एग भी है, तो उसकी वजह से ये नॉन वेजिटेरियन है। मोर ओवर BSN का साइन है विद ऑथेंटाइज्ड
स्टाइल और साथ ही साथ इसके वो लिखे हुए कितने कंटेंट में क्या क्या है और हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें है, फॉर एग्जांपल सोया एग और व्हीट और मिल्क, ये सारे एज एन एलर्जेंट यूज़ किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं तो फिर इसमें डिस्क्रिप्शन है कि कैसे कैसे डायरेक्शन है कि हाउ वी शुड यूज़ दोज हु आर लिविंग एन एक्टिव लाइफ एंड वॉन्ट टू बिल्ड मसल दे हैव टू टेक अ वन स्कूप पर डे बट दोज हु आर लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ एंड जस्ट वॉन्ट टू फुलफिल देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स दे नीड टू टेक मच लेसर दैन दैट ऑल राइट एंड यू शुड टेक यू कैन टेक इट विद अ वाटर और एनी अदर बेवरेज और एनी लो फैट मिल्क तो हम किसी से भी ले सकते हैं। अब जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नंबर है, पर कई कई बार क्या होता है कि 11 ही नंबर दिखाई देते हैं तो वो फेक प्रोडक्ट होते हैं, वो फुल्ली ऑथराइज्ड नहीं होते, हमेशा तुम्हें 12 ही नंबर दिखाई देंगे इसके ये जो बारकोड है राइट। अब आता है इसके प्रोडक्ट के बारे में, तो ये था इसका ओल्ड लेवल और ये इसका नया लेवल, तो बस ये चीज़ हमें पता होना चाहिए और कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि पहले भी आ चुके हैं, डायरेक्शंस और ये सिंपल होगा और FSCI लाइसेंस विद दिस लाइसेंस नंबर, ठीक है, तो इससे आप चेक भी कर सकते हो ऑनलाइन कि ये लाइसेंस नंबर सही है या नहीं है। ऑल राइट तो अब आते हैं अपन इस पे, तो ये आ गए और ये देख लिया कि हमने ये 5 लिम्स का है और साथ ही साथ हमने ये देखा कि ये फ्लेवर चॉकलेट फ्लेवर नॉन वेजिटेरियन और बहुत सारी चीज़ें कि कहाँ पे मतलब पर सर्विंग कितना प्रोटीन होगा, इसमें दिखाया हुआ है कि नंबर ऑफ सर्विंग्स 48 है और सर्विंग की साइज़ जो है 47 होना चाहिए और प्रोटीन परसेंटेज उसमें 47% है, यू शुड नो दिस। 22 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग मिलता है और हमें अभी भी 60 ग्राम पूरा नहीं हो पा रहा, बट इफ़ यू आर लिविंग नॉट लिविंग ए नॉन एक्टिव लाइफ तो इतना चलता है बिकॉज और भी चीज़ें हैं जो आप खा रहे हैं। अब आता है इसके डिस्क्रिप्शन, तो इसके डिस्क्रिप्शन में देख लो कि ये प्रीमियम प्रोटीन मैट्रिक्स ये मतलब रेडिकुलसली डिलीशियस अल्ट्रा प्रीमियम प्रोटीन पाउडर सिंथासिक्स इज एन अल्ट्रा प्रीमियम प्रोटीन पाउडर विद 22 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग, ये तो सबको पता है सिंथासिक्स क्या होता है, जो एक्टिव लाइफ स्टाइल जीते हैं ना उनके लिए बहुत सूटेड है ये, बट ये एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फाइबर भी है और ये सारी चीज़ें हैं। इसकी यूसेज ओकेजन के बारे में बताया गया है कि हम इसे कब कब ले सकते हैं, बट मैं इसे प्रेफर करूँगा कि आप इसे पोस्ट वर्कआउट ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। आफ्टर दैट उसके रिव्यूज़ के बारे में बात करें तो मैक्सिमम लोगों ने इसको देखो 48% ने इसको 5 स्टार दिया है बिकॉज ये ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, और देखो जहाँ भी नीचे कमेंट्स में जाओ और मोस्ट ऑफ देम हैव गिवन दी ओके ऑलमोस्ट सभी ने इसको 5 स्टार दिया है राइट, तो ये वेरीफाइड कस्टमर। अब सर्टिफिकेट की बात आए तो ये फुली सर्टिफाइड है 100% ऑथेंटिक GPN सेलर विथ अ साइन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया ऑफ दिस कंपनी BCN, तो BSN की कंपनी है एंड ग्लैनविया। अब इसकी ऑथेंटिसिटी की बात की जाए तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप तुम जाके चेक कर सकते हो कि इसकी एक्सपायरी डेट सही प्रिंटेड है या नहीं है, इसका सर्टिफाइड है या नहीं है, ब्रांड ऑफिशियल इम्पोर्टर है या फिर ऐसे ही कहीं और वहाँ पे चेंज हो चुका है, तो यू कैन सी ऑल दैट। दैट्स ऑल फ्रॉम मी टिल देन, सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, थैंक यू।